इतने बजे शुरू हो जाएगा भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 मुकाबला। कप्तान ऋषभ पंत ने शामिल किए टीम इंडिया में खतरनाक खिलाड़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 मुकाबला कितनी बजे शुरू होगा, आप इस मुकाबले को कैसे लाइव देख सकेंगे और साथ ही इस मुकाबले में टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका की टीम कौन कौन से खिलाड़ियों को मौका दे रही है, तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों बने रहें इस वीडियो के पूरे आखिर तक, और साथ ही आप भी चाहते कि इस मुकाबले में टीम इंडिया शानदार जीत दर्ज करे तो कर दीजिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चले दोस्तों जानते हैं इस मुकाबले के बारे में कि आखिरकार टीम इंडिया किस रणनीति के साथ मैदान पर उतर रही है। तो दोस्तों पहले टी20 मुकाबले में दोनों टीमों के बीच काफी शानदार मुकाबला देखने को मिला, लेकिन भारतीय टीम को उस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। अब उस हार के बाद यहां पर टीम इंडिया दूसरे टी20 मुकाबले में पूरे कमबैक के साथ मैदान पर उतरेगी, जहां पर टीम इंडिया में हमें कई बड़े बदलाव भी देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों भारतीय टीम में बदलावों की बात करें तो टीम इंडिया के पास फिलहाल कई ऐसे शानदार खिलाड़ी बेंच स्ट्रेंथ पर मौजूद है जो काफी शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आखिरकार टीम इंडिया में बदलाव होंगे तो वो किस डिपार्टमेंट में होंगे। पहले मुकाबले की हम बात करें तो टीम इंडिया की बल्लेबाजी तो काफ़ी शानदार रही थी और 211 रनों का विशाल स्कोर भी टीम इंडिया ने खड़ा किया था। ऐसे में यहां पर टीम इंडिया के लिए दूसरे टी20 मुकाबले में बल्लेबाजी में तो कोई बदलाव करना संभव नहीं है, क्योंकि सभी बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की थी। ऐसे में अब गेंदबाजी डिपार्टमेंट में जरूर दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया बदलाव कर सकती है। यहाँ पर हमें कई ऐसे खिलाड़ी रहे जो पहले टी20 मुकाबले में कोई दमखम नहीं दिखा पाए, जिसके चलते यहाँ दूसरे टी20 मुकाबले से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। हम बात करें यहां पर सबसे पहला स्थान पर आवेश खान का है, जिन्हें बाहर किया जाना तय है दूसरे टी20 मुकाबले में, क्योंकि आवेश खान की गेंदबाजी में उतना कोई खास दम नहीं था। हालांकि गेंदबाजी उतनी भी बुरी नहीं थी, लेकिन पिच ही कुछ ऐसा था, जिसके बाद अब यहां पर टीम इंडिया को जरूरत है एक यॉर्कर स्पेशलिस्ट की, जो कि शानदार यॉर्कर गेंदबाजी करके यहां पर टीम इंडिया के लिए शानदार परफॉर्मेंस कर सके। तो ऐसे में यहाँ पर अर्शदीप सिंह का नाम सबसे ऊपर आता है, जिन्होंने आईपीएल में कमाल का परफॉर्मेंस किया था और शानदार यॉर्कर गेंदबाजी भी कर सकते हैं। ऐसे में यहाँ पर डेथ ओवर में वो शानदार गेंदबाजी करके टीम इंडिया के लिए हर्षल पटेल और भुवनेश्वर कुमार का बेहतरीन साथ दे सकते हैं। ऐसे में आवेश खान की जगह पर हमें दूसरे मुकाबले में अर्शदीप सिंह खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा टीम इंडिया में ज़्यादा कोई बदलाव की संभावना है नहीं। तो वहीं पर साउथ अफ्रीका की टीम की हम बात करें तो साउथ अफ्रीका की टीम में भी ज़्यादा बदलावों की संभावना नहीं है, क्योंकि टीम ने शानदार जीत दर्ज की है। ऐसे में यहाँ पर दूसरे टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका बिना किसी बदलाव के मैदान पर उतरने वाली है, तो वहीं पर भारतीय टीम में बदलाव होने तय है। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों हम सबसे पहले जान लेते हैं साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों साउथ अफ्रीका की तरफ से पारी की शुरुआत करेंगे क्यूटन डिकॉक और कप्तान तेम्बा बाउमा। इसके बाद दोस्तों नंबर 3 पर हमें ड्वेन पेटोरेस खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि इस टीम के लिए आक्रामक रोल निभाते हुए नजर आएंगे। जबकि नंबर 4 पर हमें दिखने वाले हैं राशि वेंडरडुसेन, जिन्होंने पिछले मुकाबले में काफ़ी शानदार बल्लेबाजी की थी। वहीं पर दोस्तों नंबर 5 की हम बात करते हैं, यहाँ पर उतरने वाले हैं डेविड मिलर। तो इसके बाद दोस्तों नंबर 6 पर उतरेंगे ट्रिस्टन स्टब्स। तो नंबर 7 पर हमें वेनी पार्नेल खेलते हुए नजर आएंगे, जबकि दोस्तों नंबर 8 पर केशव महाराज उतरेंगे। तो नंबर 9 पर तबरेज शमसी उतरने वाले हैं, जबकि नंबर 10 पर कंगिसो रबाडा और नंबर 11 पर एनरिक नोरकिया उतरेंगे। जबकि टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने वाले हैं ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़। तो वहीं पर नंबर 3 पर हमें श्रेयस अय्यर खेलते हुए नजर आएंगे। नंबर 4 पर टीम के कप्तान ऋषभ पंत उतरेंगे, जिनसे यहाँ पर काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा सकती है। तो वहीं पर नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या उतरेंगे। तो नंबर 6 पर हमें खेलते हुए नजर आने वाले हैं दिनेश कार्तिक या फिर वेंकटेश अय्यर में से कोई एक। तो वहीं पर नंबर 7 पर अक्षर पटेल उतरेंगे। तो नंबर 8 पर हर्षल पटेल हमें खेलते हुए नजर आएंगे, जबकि नंबर 9 पर भुवनेश्वर कुमार, तो नंबर 10 पर यजवेंद्र चहल और नंबर 11 पर हमें अर्शदीप सिंह खेलते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इन बदलावों के बाद टीम इंडिया इस मुकाबले में शानदार वापसी करके सीरीज को 1-1 से बराबर कर पाएगी या फिर साउथ अफ्रीका एक और जीत दर्ज करेगी? आप हमें अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों इस मुकाबले को आप लाइव देख सकेंगे 12 जून को शाम के 7 बजे भारतीय समय अनुसार। इस मुकाबले को स्टार स्पोर्ट और हॉटस्टार पर लाइव देखा जा सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का।